नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में साहूकारी प्रथा अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। ज्यादा ब्याज पर मिलने वाले पैसे के बजाय अब बैंक से न्यूनतम दर पर ब्याज मिल सकेगा। ये सब मुमकिन होने जा रहा है टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की वजह से। दरअसल इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी देश में व्याप्त साहूकारी प्रथा का अंत करने जा रही है। इन दोनों कॉरपोरेट लीडर्स ने मिलकर अवंती फाइनेंस कंपनी बनाई है। ये कंपनी गरीब और जरूरतमंद लोगों को उधार दे रही है ताकि वो अपना जीवन बिना किसी प्रेशर के जी सके। अब ये तो सब जानते ही हैं कि आज भी गांव में साहूकार गरीबों को उधार देने के बदले मोटा ब्याज वसूलते हैं। गरीब और मजदूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये साहूकार मूल से ज्यादा तो ब्याज ही वसूल लेते हैं। इसी प्रथा को खत्म करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए रतन टाटा और नीलेकणी की कंपनी अब जरूरतमंदों को कम ब्याज पर पैसा देगी। दरअसल 4 साल पहले इन दोनों दिग्गजों ने अवंती फाइनेंस लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया था। ये एक तरह का सामाजिक फिनटेक स्टार्टअप है जो भारत की जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने की जुगत में लगा हुआ है। इस कंपनी के फायदे जन जन तक पहुंचाने के लिए कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कार्यकर्ता हैं, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिए जाने वाले लोन के पीछे किसी भी तरह का कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। हालांकि फिलहाल इस कंपनी के सामने जनता तक इसकी जानकारी पहुंचाने समेत कई बड़ी चुनौतियां हैं। कंपनी के सीईओ राहुल गुप्ता का कहना है कि जल्द ही जमीनी स्तर पर इस कंपनी के फायदे को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रतन टाटा और नंदन की जोड़ी की इस पहल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।